नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo T15G versus Moto G42 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो T15G में 6.46 इंच जबकि G42 में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि T15G से कम है। विड्थ की बात करें तो T15G में 2.98 इंच जबकि G42 में 2.89 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि T15G से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो T15G में 187 ग्राम्स जबकि G42 में 174.5 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो T15G में IPS LCD जबकि G42 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो T15G में 6.58 इंचेस जबकि G42 में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन T15G में 1080x2408 और G42 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो T15G में 84.09% जबकि G42 में 83.89% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो T15G में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि G42 में 411 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो T15G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और G42 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो T15G में Adreno 619 जबकि G42 में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो T15G में Qualcomm Snapdragon 695 और G42 में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो T15G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि G42 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो T15G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि G42 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो T15G में अप टू 1TB जबकि G42 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो T15G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹15,990, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹16,990
8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹19,990 में मिलता है। और बात करें G42 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹13,999 में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Vivo T15G में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Moto G42 की तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में G42 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में T15G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7 है, दूसरा Infinix 08i है, तीसरा Samsung Galaxy F41 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A15 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।